नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी ने रचा इतिहास, 1 करोड़ के पार पहुंची बीजेपी की सदस्य संख्या। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाकर इतिहास रच दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में हुए इस अभूतपूर्व कार्य में उनकी पूरी टीम ने न धूप देखी, न बारिश, न रात देखी, न दिन, जिसका परिणाम ये हुआ कि 24 दिन में 1 करोड़ सदस्यों का आंकड़ा पार हो गया। पार्टी नेताओं ने इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का अभिनंदन किया। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में अब एक समान होगी क्रेडिट प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देश में सबसे पहले लागू करने वाला मध्य प्रदेश अब तेजी से इसके अन्य प्रावधानों को भी लागू कर रहा है, जिससे यहां एजुकेशन क्वालिटी में बहुत सुधार हो रहा है। परिणाम स्वरूप स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अब प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में नवीन अध्यादेश 14(1) को लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा से गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार सहित 7 राज्यों में दौड़ रही ट्रेन। ताप विद्युत पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए देशभर में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। वर्तमान में 6,418 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। दिन में उत्पादित बिजली का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। मेहर के मां शारदा मंदिर में बदला रहेगा वातावरण, इस वर्ष नवरात्र के लिए नई व्यवस्था। मेहर में 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्र मेले के दौरान भक्तों को माता रानी के दर्शन के लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं मिल सकेगी। नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मां शारदा मंदिर के गर्भगृह के अंदर से वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की तैयारी, लेकिन 29 गांव में नहीं जुटा सके सुविधाएं। जिला प्रशासन के द्वारा इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसका मकसद इंदौर जिले में धार, उज्जैन, देवास जिले का कुछ हिस्सा शामिल कर समग्र विकास करना है। एक तरफ मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रस्ताव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ नगर निगम सीमा में शामिल किए गए 29 गांवों में एक दशक के बाद भी मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं। स्मार्ट चिप कंपनी 1 अक्टूबर से नहीं करेगी आरटीओ का काम। वाहन पंजीयन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों की बढ़ेगी परेशानी। वर्ष 2001 से प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और जिला परिवहन कार्यालय में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस व पंजीयन कार्ड प्रिंट करने का काम देख रही स्मार्ट चिप कंपनी के प्रदेश भर के 428 कर्मचारी 1 अक्टूबर से आरटीओ डीटीओ संबंधी काम नहीं करेंगे। दरअसल इस कंपनी का टेंडर 30 सितम्बर को पूरा हो रहा है। एमपी मॉनसून अपडेट, भोपाल में तेज बारिश, 16 जिलों में अलर्ट। तेज बारिश के सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश एक बार फिर से तरबतर हो गया है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे के बाद भोपाल में तेज बारिश हुई। बालाघाट और सागर में सुबह पानी गिरा। आज जबलपुर, सागर समेत 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इंदौर, उज्जैन में हल्की बारिश हो सकती है। केंद्र राज्य की एक जैसी समस्याएं होंगी मर्ज, वित्त की परमिशन के बिना नई योजनाओं का नहीं कर पाएंगे ऐलान। मोहन सरकार ने तय किया है कि अब कोई भी विभाग नई योजना का ऐलान खुद नहीं करेगा, बल्कि वित्त विभाग के द्वारा इसका प्रावधान किया जाएगा। इससे सरकार की जिन विभागों की योजनाएं अब उपयोगी नहीं रह गई हैं, उन्हें अगले वित्त वर्ष में बंद कर दिया जाएगा। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 60 बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। संभागीय मुख्यालय सागर में 27 सितंबर को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पीटीसी ग्राउंड में किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शहर में 31 स्थानों पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे, एंट्री एग्जिट पर रखी जाएगी निगरानी। बड़वानी में अपराध रोकने के लिए जिला प्रशासन शहर के चिन्हित स्थानों पर अत्याधुनिक कैमरे लगा रहा है। ये कैमरे शहर के अधिकांश स्थानों को कवर करेंगे। पुलिस ने कैमरे लगाने के लिए शहर में कुल 31 स्थान तय किए हैं। इस दौरान शहर के सभी प्रवेश द्वारों पर 24 MPR कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे यहां से गुजरने वाले किसी भी वाहन को फुटेज के साथ उसके नंबर से ट्रेस किया जा सकेगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।